नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में। किसके? गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे तो उनको वही डिस्कस कर लेना, देख लेना, तभी आपको ये वाला समझ में आएगा बहुत अच्छी प्रकार से। तो स्टार्ट करते हैं। सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, पीडीएफ चाहिए डाउनलोड कर सकते हो साइट पर जाकर, और जो लोग ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी साइट पर आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं गौरवपूर्ण अथवा रक्तहीन क्रांति का महत्व और उसके परिणामों का वर्णन कीजिएगा। तो बात करेंगे गौरवपूर्ण अथवा रक्तहीन क्रांति के महत्व के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के लिए। तो बात करेंगे हम, देखेंगे गौरवपूर्ण अथवा रक्तहीन क्रांति के महत्व और उसके परिणामों के बारे में। तो रक्तहीन और गौरवपूर्ण क्रांति के निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिल जाते हैं। तो पहला परिणाम क्या होता है इसको देखेंगे। सम्राट संसद संघर्ष की समाप्ति देखने को मिल जाती है। तो बात करेंगे इस क्रांति से स्टुअर्ट या फिर बात करें कैथोलिक राजाओं और संसद के मध्य काफी समय से चला आ रहा संघर्ष समाप्त तो हो गया। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में संसद और सम्राट में प्रधानता स्थापित करने के लिए गृह युद्ध हो रहा था। इसमें राजा मारा गया और कुछ वर्षों तक इंग्लैंड में सैनिक शासन रहा। इसके पश्चात पुनः स्टुअर्ट राजवंश की स्थापना हुई और पुराना संघर्ष पुनः छिड़ गया। जेम्स द्वितीय के समय यह संघर्ष अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। जेम्स द्वितीय था ये, मतलब इसको कुछ ज्यादा ही मात्रा में फैलना चाहता था। पूरे इंग्लैंड में वो कैथोलिक ही धर्म प्रचार करना चाहता था। बात करें गृह युद्ध के टालने के लिए संसद में विलियम को आमंत्रित किया गया। तो विलियम क्या होता है, 15,000 सैनिकों के साथ भारत आता है और चार्ल्स जो जेम्स होता है वो फ्रांस छोड़ के भाग जाता है। तो जेम्स भाग गया और मैरी अथवा विलियम का शासन बनाया गया। मैरी और विलियम कहां बैठती है, गद्दी पर बैठती है, जो जेम्स की बेटी की बेटी होती है। कौन? वह होती है मैरी। तो बात करेंगे शासन बनाया गया। बात करेंगे इन्होंने देश के कानूनों के अनुसार शासन करने का आश्वासन दिया कि देश के कानून जैसे चलेंगे वैसा ही आपको यहां पर चला जाएगा। संसद की विजय हुई और उसका प्रधानता कायम हुई। बात करेंगे सम्राट की निरंकुशता और वैधी अधिकार समाप्त हो गए। इस प्रकार इस क्रांति में से इंग्लैंड में संवैधानिक विकास की प्रगति देखने को मिली। जो जनता चाहती थी वही उनको देखने को वहां पर मिल जाता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा परिणाम क्या मिला। दूसरा परिणाम मिलता है एंग्लिकन चर्च की विजय। किसकी? एंग्लिकन चर्च की विजय होती है। जेम्स की पराजय से इंग्लैंड और कैथोलिक धर्म को गहरा आघात पहुंचा। इस क्रांति में प्रोटेस्टेंट धर्म का एंग्लिकन चर्च विजय हुआ। और बात करेंगे अब राजाओं के धर्म पर भी संसद का नियंत्रण हो चुका था। प्रोटेस्टेंट धर्म सदैव के लिए राज धर्म घोषित किया गया। कैथोलिक मत के पुनरुत्थान संभव नहीं रहा। बात करेंगे कैथोलिक जो था वहां पर प्रचार संभव नहीं रहा। अब बात करते हैं 1689 में सहिष्णुता अधिनियम द्वारा अन्य सहिष्णुता अधिनियम था 1689 एक साल के बाद, गौरवपूर्ण क्रांति के एक साल के बाद। बात करेंगे यहां देखा तुम्हारा मार्वलंबियों को अपनी अपनी धर्मानुसार आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, किंतु उसे राजनीतिक से पृथक कर दिया गया। निगम अधिनियम और परीक्षा अधिनियम में से कैथोलिक और अन्य धर्म अनुयायियों को प्रशासित और सैनिक पदों से पृथक रखा गया, मतलब दूर रखा गया। और बात करते हैं जेम्स के समय के 7 में से 6 विषादों और उनके 4 पादरियों को पदच्युत कर दिया गया जो वहां पर बैठे हुए थे। वही बात करें कैथोलिकों को कोई धार्मिक सुविधाएं प्रदान नहीं की गई। इस प्रकार इस क्रांति में एकलिंगन चर्च की प्रधानता कायम हो चुकी थी, मतलब सभी को एक नजर से देखा जाएगा, यह प्रधानता स्थापित हो चुकी थी। वही बात करेंगे अब देखेंगे हमारा तीसरा परिमाण, तो वो मिलाता कौन सा, वैधानिक विकास, संवैधानिक विकास देखने को मिलता है। गौरवपूर्ण क्रांति से राजा और संसद के मध्य के संघर्ष का अंत हो गया। गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात जनता के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित संवैधानिक सुधार किए गए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब देखें कौन कौन सुधार हुए थे। तो बात करेंगे अधिकार विधेयक पारित किए गए। बात करेंगे तुम्हारा गदर अधिनियम लाया गया। बात करेंगे सहिष्णुता अधिनियम लाया गया। प्रेस को स्वतंत्रता दी गई। वार्षिक अधिनियम चलाए गए
और बात करते हैं कौन सा राजद्रोह अधिनियम चलाए गए, उत्तराधिकारी निर्णायक और अधिनियम चलाए गए, जो भी वहां का उत्तराधिकारी होगा और जनता के खिलाफ कोई भी वो अधिनियम नहीं पेश करेगा, कोई भी खिलाफ मतलब कोई भी जनता के खिलाफ नहीं चल सकेगा। बात करेंगे इस अधिनियम के फलस्वरूप इंग्लैंड में संसदीय एवं मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास हुआ। बात करेंगे न्यायाधीशों पर से राजा का जो निमंत्रण था वो सारा की सारा नियंत्रण हट चुका था, जिससे वे स्वतंत्रता पूर्वक न्याय करने लगे थे। इंग्लैंड में अब वैधानिक ढंग से शासन का पत्र प्रशस्त हुआ था। इस अधिनियम से निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर वैधानिक राजतंत्र स्थापित हो चुका था। तो संविधानिक वैधतंत्र था वो वहां पर स्थापित हो चुका था। राजा के सारे जो कह सकते पावर थी वो जनता के अंदर आ चुकी थी। वही बात करेंगे संसद का सर्वोच्च होना। तो गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में निरंतर संसदीय शासन का विकास होता रहा। इस क्रांति से निरंकुश राजतंत्र सदा के लिए समाप्त हो चुका था। अतः मैकाले ने इसी अंतिम क्रांति माना। मैकाले जो हुआ कहता था इसको अंतिम क्रांति मानता है। इसका भावना है कि इस क्रांति से स्वतंत्रता और वैधानिक अधिकारों और बात करें अधिकारों की स्थापना हुई। इस संसद की शक्ति में असाधारण वृद्धि हुई, मतलब जो संसद की शक्ति थी उसमें बेहतरीन ज्यादा क्या होती है वृद्धि देखने को मिलती है। अब सम्राट केवल नाम मात्र का रह चुका था। बात करेंगे सांसद की वास्तविक शक्ति संसद के हाथों में निहित हो चुकी थी। गौरवपूर्ण क्रांति के फलस्वरूप उत्तराधिकारी एवं चर्च के साथ साथ सेना और वित्त पर भी संसद का निमंत्रण हो चुका था। अब बात करेंगे संसद का अधिकार सुरक्षित हो गए और बात करेंगे तीन वर्षीय अधिनियम द्वारा संसद का कार्यकाल 3 वर्ष का सीमित कर दिया गया। 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा राजा का, उसके बाद मुक्त होंगे। वही बात पदच्युत हो जाएंगे। बात करेंगे यहां देखेंगे जिससे राजा संसद के निर्वाचन में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। चलो अरे क्या हुआ भाई, ठीक है ना, कहां पहुंच चुके थे, 1 मिनट। हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। वही बात करेंगे संसद सदस्य वाद विवाद कर सकते थे। संसद सदस्य थे वो वाद विवाद राजा से कर सकते थे। राजा संसद के निर्वाचन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। संसद सदस्य वाद विवाद कर सकते थे, किंतु क्रांति के बिग और टोरी दल अपने आपसी मतभेद को भूलकर संसद में राजा के विरुद्ध आमंत्रित हो गए थे, जिससे संसद को प्रधानता कायम हो गई थी, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। बात करेंगे मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास। किसका? मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास हम देख लेते हैं। तो बात करेंगे रक्तहीन क्रांति के पश्चात कार्यकारिणी 2 भागों में व्यक्त हो चुकी थी, प्रथम औपचारिक तथा द्वितीय वास्तविक। कार्यकारिणी का वास्तविक शक्ति आमंत्रित में निहित की बात करेंगे, जबकि औपचारिक शक्ति राजा में निहित थी। इस समय ब्रिटिश संसद में बिग और टोरी दल प्रमुख थे। संसद में क्या था? बिग और टोरी दल यहां पर प्रमुख हो चुके थे। इन दोनों दलों की गृह और विदेश नीति में काफी अंतर था। विलियम इन दोनों दलों के प्रति कैसा था? कृतज्ञ था, और वह इन दोनों दलों सहयोग चाहता था। अतः उनके दलों के सदस्यों ने संयुक्त मंत्रिमंडल का निर्माण किया, किंतु उसने मंत्री आपस में लड़ने लगे। अब सम्राट ने 1695 में संसद को बहुमत वाले बिग दल से मंत्री नियुक्त किए, जिसके बाद तो यह आवश्यक हो गया कॉमन संसद में बहुमत प्राप्त दल के ही मंत्री नियुक्त किए जाएं। फिर भी अनेक वर्षों तक संयुक्त मंत्रिमंडल बनाए गए। अब तक यह भी स्पष्ट हो पाया कि मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए राजा के प्रति उत्तरदायी हैं, अथवा कॉमन संसद के प्रति उत्तरदायी हैं, अथवा जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। तो ये आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो आज हमारा समाप्त होती है यूनिट पूरी की पूरी, ठीक है ना। आज हमने गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में जो हमारा लेसन था, गौरवपूर्ण क्रांति उसके बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकते थे सबको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके जो परिणाम रहे उसके बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया। तो मेरा मानना है कि आपको सारा की सारा समझ में आया होगा। अगर आप शुरू से देखेंगे तभी समझ में आएगा, कहीं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ा नहीं, चौथा क्वेश्चन पढ़ लूं तो समझ में आ जाए,
नहीं आएगा भी, ठीक है ना। चलो, क्योंकि हर चीज होती है, हिस्ट्री होती है, वो स्टोरी होती है। अगर स्टोरी पढ़ते रहोगे तो याद रहेगी, बीच से फिल्म देखोगे याद नहीं होगा कुछ भी, शुरू से देखना पड़ेगी, ठीक है ना। तो यही होती है हिस्ट्री के अनुसार। तो यहां पर हमारा लेक्चर क्या होता है, खत्म होता है। वीडियो अच्छी लाइक करना, शेयर करना, चैनल को देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।